दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को YouTube के एक नए अपडेट के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि YouTube एक नया फीचर्स लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है YouTube वॉच हिस्ट्री। तो फाइनली दोस्तों, YouTube ने सक्सेसफुली इस नए अपडेट को लॉन्च कर दिया है। अब आप लोग इस नए अपडेट को यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अपडेट क्या है, कहाँ पे देखने को मिलेगा और कैसे आप इसको यूज करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने YouTube ऐप को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों, मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे बहुत सारी वीडियो यहाँ पे YouTube मुझे सजेस्ट कर रहा है, रिकमेंडेशन में मुझे बता रहा, दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ज्यादातर करके जो भी वीडियो है ना, YouTube मुझे टेक्निकल वीडियो शो कर रहा है, दिखा रहा है। देखिए, और नीचे जाता हूँ, सारी टेक्निकल लोगों की वीडियो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इस तरीके से YouTube मुझे मेरे फोन के YouTube ऐप में वीडियो को सजेस्ट कर रहा है, यानी रिकमेंड कर रहा है। देखिए, इस तरीके से YouTube मुझे रिकमेंड करते जा रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको पता है? इसका मतलब ये है कि मैं जैसी वीडियो YouTube पे देखता हूँ, YouTube मेरे वॉच हिस्ट्री को डिटेक्ट करके मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से वैसा ही कंटेंट मुझे यहाँ पे YouTube शो करता है, यानी रिकमेंड करके मुझे दिखाता है। तो इसी को बोला जाता है YouTube वॉच हिस्ट्री। तो इसी पे दोस्तों ये अपडेट किया गया है। अब इसको कैसे आप ऑन ऑफ करेंगे, ध्यान सुनिए। तो दोस्तों देखिए, नीचे में मेरे चैनल का लोगो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे यू लिखा हुआ है। पहले दोस्तों ये लोगो ऊपर में देखने को मिलता था, और कुछ 1.5-2 महीने पहले मैंने इस अपडेट के बारे में वीडियो बनाया था कि जल्दी आपके चैनल पे एक अपडेट हो जाएगा कि आपके चैनल का लोगो ऊपर से नीचे की तरफ अपडेट हो जाएगा। तो ये अपडेट भी मुझे मिल गया है। तो चलिए मैं इस लोगो पे क्लिक कर लेता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। इस पे आने के बाद दोस्तों बीच में देखिए एक ऑप्शन देखने को मिला आपको, मैनेज ऑल हिस्ट्री, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इसी तरीके से आपको भी जाना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरे नंबर पर आपको एक कंट्रोल्स का ऑप्शन देखने को मिला, आपको उस पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पे बीच में एक अपडेट YouTube शो कर रहा है, कीपिंग योर हिस्ट्री मेक YouTube मोर पर्सनल। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो YouTube वॉच हिस्ट्री के रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो भी चीज जानना समझना है, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको सब कुछ जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे आएंगे दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है यूट्यूब हिस्ट्री और टर्न ऑफ। अब मैं इसको ऑफ कर दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ। अब दोस्तों इसको ऑफ करने से क्या होगा और नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैं ये भी बता दूं। जैसे दोस्तों, अगर आप इसको ऑफ नहीं करेंगे तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से YouTube आपको वैसे ही वीडियो आपके फोन में शो करेगा, यानी रिकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपका पसंद है कि मैं टेक्निकल वीडियो देखूं, तो टेक्निकल वीडियो तो आपको सजेस्ट कर रहा है YouTube। मान लीजिए आपको पसंद है कुकिंग वीडियो या ब्यूटी का वीडियो या एडुकेशनल वीडियो, तो YouTube आपको आपको ऐसे वीडियो सजेस्ट कर रहा है, तो ठीक है। लेकिन किसी दिन आपको मन करता है मैं YouTube पर चलो कोई मूवी देखता हूँ, कोई गाना सुनता हूँ, कोई गाने की वीडियो देखता हूँ, तो YouTube क्या करता है, बाद में आपको गाने के ही वीडियो दिखाने लगता है। तो ये तरीके की सारा कंटेंट मिक्स होने लगता है। तो इसको आप क्या करेंगे, इस यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे। जैसे ऑफ करेंगे, इस तरीके का आपको अपडेट देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना, पॉज कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे पॉज करेंगे, आपके यहाँ पे YouTube वॉच हिस्ट्री पॉज हो गई। अब दोस्तों क्या होगा, आप YouTube ऐप में जब भी जाएंगे यहाँ से, ठीक है, तो जो भी आप YouTube ऐप में यहाँ पे देखेंगे, जो भी कंटेंट देखेंगे, जो भी वीडियो देखेंगे ना, उसको YouTube डिटेक्ट नहीं करेगा। और जो भी चीज आपको देखना हो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर से आप इसको ऑन कर लीजिएगा, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से YouTube आपको वैसा ही कंटेंट शो कराएगा, यानी दिखाएगा। तो ये भी दोस्तों एक अच्छा अपडेट है। इससे आपके YouTube के एल्गोरिदम में बहुत सारी चीजें उथल पुथल देखने को मिलेगी। कुछ लोगों को फायदा होगा तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, लेकिन ये एक अच्छा अपडेट है। YouTube ने इसीलिए इसको लॉन्च किया है ताकि हर एक व्यूअर्स के नजर से, हर एक क्रिएटर के नजर से, हर कोई इसका फायदा ले सके और सभी लोग इस अपडेट के मजे लें। तो आई होप कि आपको अपडेट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।